हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक क्लच। ठीक है, चलो क्लच हम लोग देख लेते हैं क्लच क्या होता है। अभी हमने देखा ब्रेक, देखा ब्रेक के बाद डायनेमोमीटर, अब नेक्स्ट है आपका क्लच। देखो क्लच क्या होता है, बेसिकली हम क्लच को इसलिए यूज करते हैं कि जो आपका ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को क्या करने के लिए, इंगेजमेंट एंड डिस एंगेजमेंट के लिए यूज होता है विदाउट स्टॉपिंग द इंजन। क्लियर है ना, कि इंजन को हम बिना स्टॉप किए हुए, जैसे मान के चलो इंजन से आपको पावर मिल रहा है, क्लियर है, इंजन स्टार्ट है कुछ आरपीएम से, क्या हो रहा है, घूम रहे हैं, तो बिना हम इंजन को स्पीड को कम किए या फिर उसको स्टॉप किए, हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है, जो आपका जिस पे आप पावर सप्लाई कर रहे हो, जो इसको फॉलोवर बोल रहे हो, उसको आप इंगेज भी कर सकते हो, यानी कि कनेक्ट कर सकते हो, और उसको अलग भी कर सकते हो, यानी कि डिस एंगेज भी कर सकते हैं। क्लियर, और किसके थ्रू करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ क्लचेस कर सकते हैं हम लोग। कि क्लच क्या, बेसिकली डेफिनेशन क्या देखा जाए कि क्या होता है, कि इंगेजमेंट एंड डिस एंगेजमेंट ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। क्लियर है, तो देखो कैसे होता है, मान के चलिए आपका ये इस तरीके का, ये मान लो यहाँ पे इंजन से ये कनेक्ट है, ये पहला शाफ्ट हो गया, क्लियर है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ड्राइवर, ये क्या हो गया आपका ड्राइवर, क्लियर है, और ये है आपका ड्रिवन शाफ्ट, ये है आपका ड्रिवन शाफ्ट, जहाँ पे आपको क्या करना है, पावर ट्रांसमिट करना है, ये है आपका ड्रिवन शाफ्ट, क्लियर। यहाँ से अब ये क्या होगा कि ये कुछ आरपीएम से, सम आरपीएम पे ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। जैसे इंजन स्टार्ट हुआ, तो इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो जो उसका इंजन में शाफ्ट लगा हुआ है वो क्या हो गया, रोटेट होने लग गया। अब जैसे भी आप व्हीकल, जो आपका क्लच होता है, क्लच में क्या होता है कि जैसे आप प्रेस करते हो, तो प्रेसिंग के टाइम पे जो क्लच होता है वो डिसइंगेज हो जाता है, क्लियर, और जैसे धीरे 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 रिलीज करते हो तो क्या होने लगता है, उनके बीच में इंगेजमेंट होने लगता है, क्लियर। तो जिस टाइम पे आप क्लच को ऐसे डिसएंगेज करके रखते हो, जब आपका इंजन स्टार्ट होता है तो क्लच उस टाइम क्या रहता है, प्रेस करके रखते हैं, मतलब कि उसको अलग करके रखते हैं, डिसएंगेज करके रखते हैं, तो जैसे ही आप धीरे धीरे उसको रिलीज करोगे तो क्या होगा कि ये तो आपका रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से इनके बीच में क्या रहता है, एक फ्रिक्शन प्लेट लगा रहता है, क्या लगा रहेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेट लगा रहेगा, क्लियर है, फ्रिक्शन प्लेट लगा रहेगा, वो क्या करेगा, जैसे ही आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो तो रिलीज करके ये क्या करेगा, इससे इस तरीके से इधर की ओर वो क्या करेगा, मूव करेगा, जैसे ही मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो तीनों प्लेट हैं आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अब कनेक्ट होने पे ये भी आपको क्या होने लगेगा, रिवॉल्व होने लगेगा, ये भी क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा साथ साथ। और किसके थ्रू होता है कि यहाँ पे एक होता है फ्रिक्शन लाइनिंग होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन लाइनिंग, तो इनके बीच में बहुत अच्छा ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है उसको भी क्या करता है, वो साथ में रोटेट कराने लगता है अपने साथ, जितना इसका स्पीड होगा उतना ही स्पीड के साथ इसको भी रोटेट कराने लगेगा, क्लियर है। और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे क्लच को, तो ये आपस क्या हो जाएगा, डिसइंगेज हो जाएगा। तो ये ऐसा कब कर सकते हैं, जब आपको आपको व्हीकल को मूव कराना है, या फिर आप गियर चेंजिंग के टाइम पे आप क्लच को प्रेस करके रखते हो, ठीक है, जैसे ही आप गियर चेंज कर देते हो फिर धीरे धीरे क्या करते हो, उसको रिलीज कर देते हैं हम लोग, क्लियर है। तो समझ में आ गया कि ये क्या होता है, इंगेजिंग एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट के लिए हम लोग क्लच का यूज करते हैं, क्लियर है। अब इसमें क्लच अलग अलग भी हो सकते हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीपल क्लच, प्लेट क्लच, कोन क्लच, तो क्लच का अलग अलग टाइप भी है, क्लियर है। तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, क्लच का बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन देख लेते हैं और इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग। चलिए, तो क्या है, अ क्लच इज अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट अ ड्राइविंग शाफ्ट टू अ ड्रिवन शाफ्ट। किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं ड्राइविंग शाफ्ट टू अ ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है ना, ये ड्राइविंग और ड्रिवन को क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, सो दैट ड्रिवन शाफ्ट मे बी स्टार्टेड और स्टॉप, क्लियर है ना, स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए जो ड्रिवन शाफ्ट को, विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट, बिना इसको हम लोग बंद किए ही हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है ना। ये तो जैसे इंजन स्टार्ट हुआ ये रिवॉल्व करने लग गया, क्लियर है। अब यहाँ से इसको आप इंगेजमेंट भी कर सकते हो, डिसइंगेजमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे, और किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ क्लच, क्लियर। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट क्या है, अ क्लच इज मेनली यूज इन ऑटोमोबाइल, कहाँ यूज होगा ये ऑटोमोबाइल, वेयर टू चेंज द गियर, किस लिए यूज करते हैं हम लोग क्लच को, गियर चेंज करने के लिए, और स्टॉप द व्हीकल, और आपका जो व्हीकल है उसको भी स्टॉप करने के लिए हम लोग क्लच का यूज करते हैं। अगर मान के चलो आप क्लच यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, जिस हिसाब से आपका इंजन स्टार्ट हुआ तो आपका जो व्हील है वो भी उसी हिसाब से चलने लग जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा जर्क लगेगा और आप व्हीकल से गिर भी सकते हो, ठीक है, अगर क्लच नहीं रहा तो, क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिक्वायर्ड दैट ड्रिवन शाफ्ट शुड स्टॉप विदाउट स्टॉपिंग इंजन, वही पॉइंट लिखा हुआ है कि इट रिक्वायर्ड दैट ड्रिवन शाफ्ट को आप क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। मान के चलो अगर आपको व्हीकल को रोकना है तो आप बस क्लच को प्रेस कर लो तो इससे वो डिसंगेज हो गया तो आपका जो व्हीकल है रुक जाएगा, लेकिन इंजन क्या रहेगा आपका, चलता रहेगा, क्लियर है ना। इंजन क्या होगा आपका, कुछ स्पीड से चल रहा है लेकिन जो व्हीकल होगा उस टाइम आपको रुक जाएगा अगर आप क्लच प्रेस करके रखे हो, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ शाफ्ट इज ऑब्टेंड बाय द हेल्प ऑफ क्लच, ठीक है ना, एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट होगा बाय द हेल्प ऑफ क्लच, कनेक्ट और डिसकनेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक फंक्शन ऑफ क्लच इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मैकेनिकल पावर विथ अ मशीन, ठीक है ना, जो आपका मशीन से जो बेसिक पावर मिल रहा है उसको मेनली क्या होता है, कंट्रोल करने के लिए होता है। कंट्रोल कहने का मतलब कि मान के चलिए जो आपका इंजन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, एक्सेलरेटर के थ्रू आपका क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है इंजन की, जितना आप एक्सेलरेटर रोगे तो इंजन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अब उसको कंट्रोल करना है तो किसके थ्रू करते हैं कि जितना आपको पावर रिक्वायरमेंट होता है, जो आपका शाफ्ट है व्हील के ऊपर जितना पावर चाहिए वो आप किससे करते हो, क्लच के थ्रू करते हो, कि अगर कम पावर चाहिए तो आप हल्का क्लच प्रेस करके रखते हो और आपका जो व्हीकल है मूव करते रहते हैं। अगर पूरा पावर चाहिए तो पूरा आपको इसको कनेक्ट कर दो और एक्सेलरेटर दीजिए, आपका क्या होगा, व्हीकल आगे की ओर वेरी फास्ट बढ़ेगा, क्लियर है। तो मेनली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जो मैकेनिकल पावर मिल रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्लियर। आगे देखिए, क्लच इज आल्सो यूज टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना, क्या करता है वो, मेंटेन करता है कांस्टेंट स्पीड के लिए, जो आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए व्हील पे वो आपको मिल जाएगा, क्लच क्या करता है उसको मेंटेन करता है। और क्या, टॉर्जनल मोमेंट, कितना देखो तो अगर पावर मिल रहा है, टॉर्जनल मोमेंट एंड पावर ट्रांसमिशन, तो देखिए अगर मान के चलो आपका जो व्हीकल है वो जो आपका इंजन है वो आपको रोटेट कर रहा है तो किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, ये कितना टॉर्क दे रहा है, ठीक है ना, जो आपका टॉर्क मिल रहा है फ्रिक्शनल टॉर्क वही इसको ट्रांसफर करेगा, क्लियर है ना। तो क्या होगा, टॉर्जनल मोमेंट एंड पावर ट्रांसमिटेड, जैसे कहने का मतलब ये है, तो ये क्या करेगा, टॉर्क ही मिल रहा है, ये जो एफ टी लगेगा यहाँ पे एफ टी इंटू आर, क्लियर है, तो यही आपका टॉर्क होगा, है ना, क्या होगा आपका टॉर्क होगा, क्लियर। तो यही टॉर्क क्या होगा, आपको क्या करता है उसको मेंटेन करता है कि कितना टॉर्क आपको व्हील के ऊपर चाहिए, क्लियर है। चलिए तो ये रहा आपका बेसिक डेफिनेशन क्लच का, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम लोग इसके टाइप देखते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्लच। तो टाइप्स ऑफ क्लच में क्या है, आपके तीन टाइप के क्लच होते हैं बेसिकली। एक क्या है आपका डिस्क और प्लेट क्लच, इसमें क्या होगा आपका सिंगल डिस्क और मल्टीपल डिस्क क्लच। अब देखो मल्टीपल डिस्क और सिंगल डिस्क में क्या है कि देखिए ये आपका सिंगल क्लच है तो ये जो आपका फ्रिक्शन लाइनिंग होगा, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन लाइनिंग या फिर बोल सकते हैं प्लेट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, एक सिंगल है, क्लियर है। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे दो तीन चार इस तरीके से आपके फ्रिक्शन लगे रहेंगे, है ना, जो प्लेट लगे रहेंगे, ठीक है। जैसे जितना भी आपका प्लेट होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल डिस्क क्लच। तो यहाँ पे एक सिंगल है तो ये क्या है आपका सिंगल प्लेट क्लच, क्लियर है। तो बस यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस कि यहाँ पे जो क्लच का प्लेट है वो एक से ज़्यादा होते हैं मल्टीपल डिस्क क्लच में, क्लियर है। चलिए उसके बाद आता है कोन क्लच। तो इसका जो शेप होगा वो कोन की तरह होगा, कैसा होगा, कोन जैसा होगा इस तरीके का, ठीक है। और इधर से जो आपका एंगेजमेंट होगा ये भी आपका कोन जैसा होगा, क्लियर है, इस तरीके से, तो ये आके इधर एंगेज्ड होगा, क्लियर है। और तीसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच, क्लियर है। तो ये है आपका तीन टाइप का क्लच बेसिकली, सिंगल
और मल्टीपल डिस्क क्लच, कोन क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच। तो चलो इसको समझते हैं क्या है ये। देखिए ये है आपका जो फ्लाईव्हील लगा हुआ है और जिसको हम लोग बोल रहे हैं ड्राइविंग शाफ्ट है, क्लियर। तो ये क्या होता है आपका रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ही आपका इंजन स्टार्ट हुआ ये क्या हो गया घूमना स्टार्ट हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे आपका पेडल है लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आप उसको क्या करोगे प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप पेडल से क्या करोगे उसको प्रेस करोगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा डिसएंगेजमेंट होगा। जैसे इसको इधर की ओर करोगे तो ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ये क्या हो जाएगा यहाँ से डिसएंगेज हो जाएगा। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे यहाँ से छोड़ोगे तो बाय द स्प्रिंग क्या हो जाएगा ये इस तरीके से ऐसे खुलेगा, और खुलेगा तो ये जाके आपस में क्या हो जाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो देखो क्या क्या चीज़ है इसमें, ये ड्राइविंग शाफ्ट हो गया, ये आपका फ्लाईव्हील है, यहाँ पे है क्लच प्लेट और फ्रिक्शनल लाइनिंग, ये जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहता है स्प्रिंग, ठीक है ना। एक स्प्रिंग नहीं होता है, बहुत सारे स्प्रिंग, ये तो आपको साइड व्यू दिख रहा है जैसे एक दिख रहा है, वैसे जैसे इस तरीके से देखोगे तो यहाँ भी स्प्रिंग होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस तरीके का रहता है, क्लियर है। तो इस तरीके का स्प्रिंग होगा, जैसे ही आप छोड़ोगे वो क्या हो जाएगा जाके वो कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर, समझ गए बात। तो देखो यहाँ पे क्या लगता है स्प्रिंग लगा रहता है और इसको आगे लगा रहता है एक प्रेशर प्लेट लगा रहता है, क्लियर। तो देखो क्या होता है इसका मैकेनिज्म, देखो कि जैसे ही आप इसको रिलीज ऐसे प्रेस किए तो ये इधर की ओर पुश करेगा, क्लियर। तो जैसे ही ये पुश करेगा तो ये क्या हो जाएगा इनके ये क्या चला जाएगा उधर चला जाएगा, ये जो आपका पूरा का सिस्टम है देखो, इसको आप प्रेस किए तो ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है वो किधर आएगा आगे की ओर आएगा, जैसे ही ये आगे आएगा तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा पीछे चला जाएगा। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे तो क्या होगा ये वाला सिस्टम इधर चला जाएगा और ये यहाँ स्प्रिंग के थ्रू क्या हो जाएगा ये इससे कनेक्ट हो जाएगा दोनों साइड। तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग और क्लच प्लेट के थ्रू वो क्या हो जाएगा आपस में टॉर्क ट्रांसमिशन हो जाएगा, जो फोर्स का ट्रांसमिशन होगा ड्राइवर से ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक। ये क्या है आपका ड्रिवन शाफ्ट है जहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिट करना है ड्रिवन शाफ्ट, क्लियर। तो ये आपका ड्रिवन शाफ्ट था तो वहाँ से आपको क्या हो जाएगा पावर को ट्रांसमिट कर देगा। तो बेसिकली यही है एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है सिंगल डिस्क प्लेट क्लच। तो देखो इसमें क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ बोथ साइड फेस विथ अ फ्रिक्शन मटेरियल। तो देखो इसका जो फ्रिक्शन लाइनिंग है ये दोनों साइड क्या होता है आपका फ्रिक्शन मटेरियल लगा रहता है, ये आपको सर्कुलर रहता है, क्लियर है। दोनों साइड क्या रहेगा फ्रिक्शन मटेरियल रहेगा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए इन दिस इट इज़ माउंटेड ऑन द हब, हब के थ्रू माउंटेड होता है, ये देखो हब बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको हब के थ्रू, ठीक है, हब जैसा दिखेगा। विच इज़ फ्री टू मूव, ये जो आपका क्या है हब जो है ये क्या होगा फ्री टू मूव क्या होगा एक्सियल अलोंग द ड्रिवन शाफ्ट। तो मान के चलो ये क्या होगा पावर ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है एक्सियल ही हो रहा है, क्लियर है ना। ये क्या हो रहा है एक्सियल हो रहा है किसके ड्रिवन शाफ्ट पे एक्सियल, या फिर बोल सकते हो ये जो न होते हैं वो को एक्सियल होता है, एक ही एक्सिस होना चाहिए। जैसे ड्राइवर और ड्रिवन का भी जो एक्सिस होगा वो एक ही एक्सिस पे क्या होता है पावर का ट्रांसमिशन होता है एक्सियल अलोंग द ड्रिवन शाफ्ट, क्लियर है ना। इसका जो एक्सिस होगा ये अलग चीज़ है ये अलग है, तो लेकिन दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्लियर। और क्या है ये सिंपल इन अरेंजमेंट, बिल्कुल सिंपल इन अरेंजमेंट बाकी के कंपेयर में, जो भी आपके मल्टीपल डिस्क हो गए कोन हो गया सेंट्रीफ्यूगल हो गया इसके कंपेरिजन में क्या होता है ये सिंपल होता है, क्लियर। आगे देखिए इन क्लच टू केस विल अराइज, दो केस इसमें देखा जाता है बेसिकली। जैसे कि देखो केस कैसे आया, जैसे आप लोग सोम पढ़े होंगे सोम यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल MOS, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसमें आपको देखे होंगे कि आपको थ्योरी ऑफ फेलियर नाम का टॉपिक आया होगा, क्लियर है, थ्योरी ऑफ फेलियर। तो वहाँ पर आपके पाँच बेसिकली थ्योरी ऑफ फेलियर देखे होंगे, है ना, प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, है ना, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। तो इसके केस में दो केस देखा जाता है, क्लच के केस में दो केस, और जो भी आपका थ्योरी ऑफ फेलियर था वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेसिस था, है ना। तो यहाँ पे भी जो इसके डेरिवेशन होंगे वो मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखूंगा बाय द हेल्प ऑफ जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए होंगे उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस आता है, पहला क्या है केस नंबर वन, केस नंबर टू। यहाँ पे क्या है पहला देयर इज अ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के थ्रू, ठीक है ना, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी जिसको UPT भी बोलते हैं, इसको यू
पी टी, ठीक है ना। और इसको यू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, ठीक है। एक क्या होता है यूपीटी आएगा, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, और यूडब्ल्यूटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, क्लियर है। तो इन दोनों केस को हमें डिस्कस करना है, उनके कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो दोनों केस में यही चीज़ होगा, सिंगल प्लेट और मल्टीपल डिस्कलेज में, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग केस स्टडी करते हैं इनकी। चलिए अब देख लेते हैं इसका सिंगल डिस्क प्लेट और का क्या होगा, केस वन और केस टू समझते हैं क्या क्या इसमें पूछा जाता है। अगर आपका न्यूमेरिकल आ गया तो ठीक है, लेकिन आता नहीं है बेसिकली क्लच से प्रॉब्लम, आपको बस डेफिनेशन आ सकता है कि सिंगल प्लेट क्या होता है, मल्टीपल प्लेट क्या होता है। अगर आ गया तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैं न्यूमेरिकल अभी करवा रहा हूँ। देखिए क्या था आपका सिंगल प्लेट, तो ये देखो क्या है आपका सिंगल प्लेट है, और ये क्या है आपका फ्रिक्शन सरफेस है, यहीं से आपका कनेक्ट हो रहा था। अभी पीछे डायग्राम में देखे थे कि यहीं से क्या होता है, ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये प्रेशर अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, ये जो आपका डिस्क प्लेट है ये क्या करे, आपस में कॉन्टेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे क्या है फ्रिक्शन सरफेस है, तो इसी के थ्रू क्या हो जाता है, वो आपस में कनेक्ट होगा और वो रिवॉल्व करने लगेगा, क्लियर। ये है आर टू आर वन, आर वन आर टू क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ फ्रिक्शन फेस। तो देखिए ये है आपका फ्रिक्शन फेस, तो इंटरनल जो है आर टू बोला जा रहा है, और आर वन क्या बोला जा रहा है, एक्सटर्नल वाले को, ठीक है। अगर इसको सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आर वन और ये आर टू, और ये जो आपका फ्रिक्शन लाइनिंग है ये क्या है आपका डी आर दिया गया है, क्लियर। और म्यू क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो अभी बताया था आपको कि इसमें आपका दो केस आएगा, एक यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और दूसरा क्या होगा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, क्लियर है। तो इसमें जितना भी मान के चलो क्या होगा, टॉर्क ट्रांसमिशन होगा, क्लियर है। इसमें क्या होने वाला है, टॉर्क ट्रांसमिशन होने वाला है, क्लियर। तो टॉर्क ट्रांसमीटर जो अगर देखा जाए इसमें सिंगल प्लेट, सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच में टॉर्क ट्रांसमिट कितना करेगा, तो ये कितना होगा, जितना वहाँ पे फ्रिक्शन होगा और जो लोड अप्लाई होगा और इनका जो मीन रेडियस होगा, क्लियर है ना। क्योंकि देखो टॉर्क क्या था, ध्यान से इसको देखिए, टॉर्क क्या था, जो यहाँ पे एफ टी लगा था, एफ टी इन टू आर, यही था एफ टी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इस तरीके से लोड लग रहा है, ठीक है, इनटू आर, आर कौन सा, जो मीन रेडियस होगा, आर वन आर टू का जो मीन रेडियस होगा। और म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि एफ टी इंटू आर, और एफ टी क्या होता था, जो भी आपका फोर्स, जैसे नॉर्मल फोर्स था जिसमें हम लोग ब्रेक में देखे थे आर एन इंटू म्यू, क्लियर है ना। तो यो आर एन की जगह पे क्या है आपका, ये W है, W इंटू म्यू और इंटू आर, आर क्या होगा आपका मीन रेडियस, आर क्या है आपका मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शनल सरफेस, क्लियर है। तो ये इतना आपको क्या होता है, टॉर्क ट्रांसमिशन होता है, क्लियर है, क्या होगा टॉर्क ट्रांसमिशन। और n क्या है कि जितना नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस होगा, क्लियर है ना, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पे पुट कर लोगे, ठीक है, फ्रिक्शन सरफेस, और क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ गए, टॉर्क ट्रांसमिशन कितना होगा, n इक्वल टू म्यू ओमेगा इंटू आर। अब देखो यहाँ पे केस वन डिस्कस करते हैं कि केस वन क्या है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, अगर टॉर्क ट्रांसमिशन है तो आपको मीन रेडियस निकालना होगा और प्रेशर इंटेंसिटी निकालना होगा, दो चीज, क्या क्या चीज, एक मीन रेडियस और दूसरा क्या है प्रेशर इंटेंसिटी। तो देखो मीन रेडियस के लिए क्या है आपका फॉर्मूला, 2/3 आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब अपॉन आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, क्लियर है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, 2/3, देखो इसको याद करने का तरीका, 2/3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा ऊपर, आर वन माइनस आर टू का क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से, 2 आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका क्या निकल जाएगा, मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शनल सरफेस, क्लियर है। और यहाँ पे अगर प्रेशर इंटेंसिटी की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, W जो भी थ्रस्ट लग रहा है इस पर, क्लियर है, W जैसे कनेक्ट करोगे तो थ्रस्ट आएगा ही, तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा, जब प्रेशर लग रहा है तो थ्रस्ट आ रहा है, तो लोड अपॉन एरिया बोला जाता है, ठीक है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो वही एरिया क्या है आपका, पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, क्लियर है। तो ये है आपका एक्सियल प्रेशर इंटेंसिटी, क्लियर है, दो चीज आ सकता है इसमें, एक होगा मीन रेडियस, दूसरा क्या होगा प्रेशर इंटेंसिटी, क्लियर, ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अब बात करते हैं केस नंबर टू की, जहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में भी क्या निकालना होगा आपको, मीन रेडियस, और यहाँ पे सिंपल हो जाता है, मीन कहने का मतलब क्या, आर वन प्लस आर टू अपॉन
टू। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग मीन जानते हैं तो क्या होता है आर वन प्लस आर टू अपॉन टू, क्लियर है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शनल सरफेस, और यहाँ पे जो थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट क्या होगा यहाँ पे पाई टू पाई आर वन माइनस आर टू इंटू सी। और जो सी कहने का मतलब क्या है, सी ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इस केस में क्या होता है, जो प्रेशर इंटेंसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस होगा, ठीक है ना, क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस। तो यहाँ से आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कांस्टेंट आएगा, तो पी आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा पी इंटू आर, क्लियर है। तो यही चीज़ है यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म वीयर थ्योरी, क्लियर है। और आर वन आर टू क्या है, एक्सटर्नल एरिया, और कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपका म्यू, क्लियर है। तो ये दो चार फॉर्मूले हैं आपके फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वीयर के लिए, ये सिंगल डिस्क प्लेट क्लच है, क्लियर। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं मल्टीपल प्लेट क्लच के लिए, मल्टीपल प्लेट और क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्क, इसको क्या बोल सकते हैं डिस्क, है ना, मल्टीपल प्लेट और डिस्क प्लेट क्लच के में क्या होता है। देखो ये मल्टीपल प्लेट इज यूज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क इज ट्रांसमिटेड, वहाँ पे आपका एक ही फ्रिक्शनल प्लेट था, यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ फ्रिक्शनल प्लेट होंगे, है ना, जो भी कॉन्टैक्ट सर्फेस होंगे वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या होगा पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कब यूज करेंगे, जब हम फोर व्हीलर को यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या चाहिए आपको, ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन चाहिए। अगर लाइट व्हीकल के लिए देखा जाए तो जैसे बाइक्स हो गया, स्कूटर हो गया, तो यहाँ पे आपको लो अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन होता है, तो यहाँ आप सिंगल प्लेट क्लच यूज कर सकते हैं। जहाँ आपको लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करना होता है ड्राइवर से ड्रिवन में, तो वहाँ पर आप क्या करते हो मल्टीपल प्लेट क्लच हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ सेम फार्मूला, वहाँ पे क्या होगा जैसे यहाँ पे एक प्लेट था तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट आ जाएगा, क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा n क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्लेट आप यहाँ पे देख रहे हो n, n क्या है नंबर ऑफ पेयर कॉन्टैक्ट सरफेस, तो जितना नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस का पेयर, तो एक ड्राइवर में पेयर होंगे, ड्राइवर में लगे होंगे तीन चार प्लेट, ड्रिवन में भी लगे होंगे कुछ प्लेट, तो उनसे जो पेयर बनेगा वही है आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, जितने कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे आपस में, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस होगा यहाँ पे, तो ये इसमें एक पेयर दो पेयर तीन पेयर, तो इस तरीके से जितना पेयर बनेगा वो है आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो, तो देखो यहाँ पे क्या है n1 क्या है, n क्या है आपका नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कि क्या आएगा n1 प्लस n2 माइनस 1, तो कुछ एक कम ही होगा, है ना, कि कितना आपका पेयर बने माइनस वन, तो वो आपका टोटल एन दिख जाएगा, क्लियर। और एन वन क्या है नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्राइविंग शाफ्ट, और एन टू क्या है नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्रिवन शाफ्ट, क्लियर है। और म्यू क्या है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ओमेगा और डब्ल्यू क्या था आपका एक्सियल थ्रस्ट था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आगे देखिए फ्रिक्शनल टॉर्क सेम फार्मूला क्या है, एन ओमेगा डब्ल्यू इंटू आर, क्लियर है। आर क्या है आपका मीन रेडियस, क्लियर। तो ये यहाँ से आप फ्रिक्शनल टॉर्क सेम कुछ सेम रहेगा, और केवल यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे एन चेंज होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कि पेयर में लेके चलना है, ठीक है। अब आगे देखिए केस वन क्या है आपका फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर, अगर प्रेशर निकालना रहे तो डब्ल्यू अपन सेम फार्मूला है डब्ल्यू अपन पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पे आर जो इफेक्टिव रेडियस है मीन रेडियस है वो क्या है आपका टू बाई थ्री आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब अपॉन आर वन स्क्वायर माइनस आर टू क्यूब, ये भी क्या है सेम फार्मूला वही जो सिंगल प्लेट में। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म वीयर थ्योरी देखा जाए तो वीयर थ्योरी में क्या था डब्ल्यू इक्वल टू सी टू पाई आर वन माइनस आर टू, क्लियर। और आर क्या था आर वन प्लस आर टू अपॉन टू, तो देखो बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे केवल क्या चेंजेज हो रहा है आपका एन, ठीक है, मल्टीपल प्लेट क्लच में। तो अब चलो इसके हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिंगल प्लेट और मल्टीपल डिस्क प्लेट के, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा सिंगल और मल्टीपल का, फिर हम लोग देखेंगे कोन क्लच के बारे में।